Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management, Session 10, Part 2, Capacity Planning and the Material Handling. Topics to be covered include Principles, Practices, and Advanced Analysis for Order Picking, Ergonomics and Material Handling, Approaches for shop floor sequencing of material handling jobs, capacity planning, different kinds of capacity planning, measuring capacity, principles, practices, and advanced analysis for order picking. Order picking is a process through which items or products have to be supplied and regained from specific storage location. Order processing एक process है जिसके through जो products हैं, जो materials हैं, वो supply होते हैं एक specific storage location पर. ये देखा जाता है कि 60% जो activities होती हैं वो labor के through होती हैं warehouse में. एक efficient order picking बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी manufacturing organization को survive करना है, उसको competition में compete करना है, उसको exist करना है. Supply chain process में retrieval, storage और delivery कोई भी value add नहीं करते हैं product के, पर ये ज़रूरी हैं. हालांकि ये वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, फिर भी ये ज़रूरी होते हैं. इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स के टाइप हैं जो हेल्प करते हैं, वो जो मदद करते हैं एफिशिएंसी लाने में प्रोसेस में. पहला है हॉरिजॉन्टल ट्रेवल. ये बेसिकली जो पिकर होता है डिवाइड करता है सिस्टम्स को. जो वर्कर्स हैं वो एक व्हीकल राइड करती हैं, फिर एक आइटम या प्रोडक्ट को उठाती हैं और फिर उनको एक कार्ट में रख देती हैं. वो कुछ भी पिक करती हैं और उनको प्लेस करती हैं कन्वेयर. एक कन्वेयर एक बेसिकली मूविंग बेल्ट होती है. जो स्टोरेज सिस्टम होते हैं उनको पैलेट रैक्स भी बोलते हैं, उनको शेल्फ्स भी बोलते हैं, उनको स्टोरेज ड्रॉअर्स भी बोलते हैं और उनको ग्रेविटी फ्लो रैक्स भी कहते हैं. पैलेट रैक्स एक या दो लेवल की होती हैं, दो लेवल्स होते हैं उसमें. दूसरा है पर्सन एब्रॉड. इस सिस्टम में जो पिकर होता है वो एक प्लेटफॉर्म में होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है व्हीकल का और वो कहीं भी मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली. नेक्स्ट इज पार्ट टू पिकर. दीज आर मर्केंडाइज सिस्टम्स हेयर. ये जो पार्ट टू पिकर है ये मर्केंडाइज सिस्टम्स होता है जहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस है वो कैरी करती है ट्रेज या बिन्स पर्सन पिकिंग के पास. और ये कंप्लीट होता है टास्क अपने कंप्लीट करता है जब ये इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है कहीं और से. नेक्स्ट इज स्पेशल इक्विपमेंट. स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू हम थ्रूपुट और स्पेस एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं. स्पेशल इक्विपमेंट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो मोबाइल शटल्स या रोटरी रैक्स के फॉर्म में होते हैं या बेसिकली मूवेबल शेल्फ्स होती हैं जो ट्रेवल करती हैं लेन्स में, या फिर ऑटोमेटिक आइटम पिकर होती हैं कन्वेयर बेल्ट में मूव करती हैं. नेक्स्ट इज़ वर्क प्लेस इक्विपमेंट. जो आइटम्स होते हैं ये वर्क बेंच पे रखे जाते हैं और ये वहाँ से पिक किए जाते हैं. जो कार्ड्स होता है वो भी यूज होता है आइटम्स पिक करने के लिए. नाउ वी हैव फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कंसिडर किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ मटीरियल प्रॉपर्टीज़. मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में आता है साइज़ क्या है मटेरियल का, वेट क्या है, उसकी नेस्ट एबिलिटी क्या है,
कार्टन काउंट्स कितने हैं, पैलेट काउंट्स कितने हैं, फ्रेजिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट, उस मटेरियल की वैल्यू क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सब। नेक्स्ट इज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर दी प्रोडक्ट। सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के लिए, क्या वॉल्यूम क्या है प्रोडक्ट का, कितने ऑर्डर शिप होने हैं, रिस्पॉन्स टाइम क्या हो सकता है, सपोर्टिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, लेबलिंग क्या है, प्राइसिंग किस बेसिस पे होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं, ये सब कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, कितनी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी इस मटेरियल के लिए, या फिर प्रोजेक्ट लाइफ, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या लाइफ क्या होगी, कितना नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स होंगे इसके। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। क्या रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, अगर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई है तो हमको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर होते हैं। नाउ वी हैव कंसीडरेशंस, डिज़ाइन कंसीडरेशंस। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं डिज़ाइन के लिए, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर टू बी स्टोर्ड, कितने प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखने हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव्ड पर शिफ्ट, कितने प्रोडक्ट्स रिसीव करने हैं एक शिफ्ट में, सपोज तीन शिफ्ट हैं तो तीन शिफ्ट में कितने प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, हर शिफ्ट के प्रोडक्ट्स बताने होंगे, कंसिडर करने होते हैं। टोटल नंबर्स रिट्रीव पर शिफ्ट, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिट्रीव किए गए हैं एक शिफ्ट में, और वेरिएबिलिटी क्या है इन फैक्टर्स में, जैसे कि चॉइस क्या हो सकती है कार्ट्स के बीच में, या व्हीकल्स के बीच में, या कन्वेयर्स के बीच में, या फिर जो ऑटोमेटिक आइटम पिकर्स होते हैं उनके बीच में, लेबर फोर्स क्या होगा, कितने लेबर्स कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS की ज़रूरत है कि नहीं है, किस एक्सटेंट तक कितना डेटा मेंटेन करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज एग्रोगोनॉमिक्स एंड मटेरियल हैंडलिंग। इन एग्रोनॉमिक्स द बॉडी इज स्टडीड एज इफ इट वर अ मशीन, द वे द लिम्स मूव, द नीज बेंड, द हैंड्स रीच अ ग्रिप, एंड वेट्स आर टू बी लिफ्टेड एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द बैक। एर्गोनॉमिक्स में बॉडी को हम स्टडी करते हैं एक मशीन की तरह, कि वो किस तरह अपने लिम्स को मूव करेंगी, अपने नीज को बेंड करती हैं, कैसे अपने हैंड्स को वो मूव करती हैं, क्या ग्रिप करती हैं, और कितना वेट्स वो लिफ्ट कर सकती हैं डिफरेंट पोजीशंस में, ये सब चीज़ें हम एर्गोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। The dynamic motions that the body and the organs are subjected to are studied with a view to design systems. जितने भी तरह तरह के motions होते हैं हमारी body में, हम या फिर हम अपने किसी organ के through जो कर रहे हैं, हम उन सबको study करते हैं ताकि हम जो systems हैं उनको design कर सकें। एक बहुत डॉक्टर बिल मैरिस थे, वो जाने जाते थे एक लंबर मोशन मॉनिटर के लिए, बेसिकली वो स्टडी थी लो बैक इंजरी के लिए। वो मेजरमेंट अलाउ करती थी कि कितना फोर्स लगेगा बेंड होने में और ट्विस्ट होने में, ये हमको
मदद करता है ये निकालने में कि क्या डिसीजंस हो सकते हैं जिससे जॉब में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, स्पेशली अगर हम कोई मटेरियल हैंडलिंग स्टेशंस उनमें मदद कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं उनको वेट्स लिफ्ट करने हैं, या फिर जहाँ पे उनको अपने आप को रेस करना है किसी भी ऑकवर्ड पोजीशन में, या फिर उनको मूव करना है, कोई चीज़ होल्ड करनी है, कोई चीज़ पुश करनी है, ये सब चीज़ें। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स आर मोस्टली आउटसोर्स्ड एंड द एक्सपर्टाइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस खुद नहीं अरेंज करती हैं, ये आउटसोर्सिंग करती हैं, बाहर से अरेंज करवाती हैं और एक्सपर्टाइज के थ्रू करती हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करती हैं। अप्रोचेस फॉर शॉप फ्लोर सीक्वेंसिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग जॉब्स। अरेंजिंग टास्क डिसीजंस ऑन द ऑर्डर इन विच जॉब्स ऑन डिफरेंट मशीन्स। डिसीजंस को लेना उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में जॉब्स को लोड करना है अलग अलग मशीन्स में। द मेन क्राइटेरिया इज टू टेक द जॉब थ्रू द टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स इन विच प्रोसेसिंग रिक्वायर्स टू बी डन फॉर द चेंज दैट इज टू बी इफेक्टेड ऑन द प्रोसेस्ड मटेरियल। मेन क्राइटेरिया यही है कि ये देखना कि क्या टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स यूज हो सकते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत हैं, चेंज लाने के लिए किसी भी मटेरियल जो प्रोसेस्ड मटेरियल है उसके लिए। द मेजर कंसर्न्स आर रिगार्डिंग दी इट शुड बी मिनिमम मूवमेंट, रिड्यूस इन्वेंट्री एंड टाइमली अवेलेबिलिटी। जो फोकस दिया जाता है वो इसी के लिए पे दिया जाता है कि कितना कम से कम मूवमेंट यूज़ हो सकता है, या कितनी इन्वेंट्री कम कर सको और कितना टाइम अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करना है कितने टाइम पर, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें। कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग इज द एनालिसिस ऑफ व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट द एक्सपेक्टेड डिमांड विल बी। कैपेसिटी प्लानिंग के थ्रू हम ये देखते हैं कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती है और कितना एक्चुअली में उसकी डिमांड है। कैपेसिटी प्लानिंग मस्ट टेक एट मेनी लेवल्स। कैपेसिटी प्लानिंग बहुत सारे लेवल पे हो सकती है। टू इंक्रीज कैपेसिटी यू मस्ट परचेज न्यू इक्विपमेंट्स। दिस कैन बी अ लेंथी प्रोसेस। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो ये ज़रूरी है कि आप नए इक्विपमेंट्स को यूज़ करो, पर ये एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है। इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है एंड इट मस्ट बी एनालाइज फर्स्ट। और ये पहले एनालाइज कर लेना चाहिए कि क्या ये प्लान फीजिबल है भी नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं हो जाएंगे, ये सब चीज़ें। जो कैपेसिटी है उसको मेजर करना चाहिए एक्चुअल डिमांड पे, ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन पे। मैनी फैक्टर्स कैन अफेक्ट कैपेसिटी सच एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ देयर एबिलिटी टू वर्क, नंबर ऑफ मशीन्स, वेस्टेजेस, स्क्रैप्स, डिफेक्ट्स, मिस्टेक्स, प्रोडक्टिविटी, सप्लायर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कैपेसिटी को, जैसे कि कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, क्या एबिलिटी क्या है उनकी काम करने की, कितनी मशीन्स यूज़ हो सकती हैं, क्या वेस्टेज क्या होगा, स्क्रैप कितना हो सकता है, डिफेक्ट्स कितने हैं, मिस्टेक्स कितनी करी गई, कितने एरर्स हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, सप्लायर्स क्या है, क्या गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रेगुलेशंस हैं और क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। इट कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक थर्ड शिफ्ट भी प्लान कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अगर ये
फिजिबल नहीं है, अगर वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है थर्ड शिफ्ट में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड शिफ्ट को भी कैरी ओवर करे. कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स और वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ शिफ्ट्स इनटू यूटिलाइजेशन इनटू एफिशिएंसी. डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, बहुत तरह की कैपेसिटी प्लानिंग होती हैं. पहला है पोटेंशियल कैपेसिटी. पोटेंशियल कैपेसिटी में एक्चुअल क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है. पोटेंशियल कैपेसिटी में बेसिकली हम ये देखते हैं क्या कैपेसिटी अवेलेबल है कि आप एक सीनियर मैनेजमेंट के प्लान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल लें कि उनको असिस्ट करना कि वो क्या डिसीजंस लेंगे अपने बिजनेस के ओवरऑल ग्रोथ के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए. ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जो जो डेली प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है. नेक्स्ट इज इमीडिएट कैपेसिटी. इमीडिएट कैपेसिटी होता है कि कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है शॉर्ट टर्म में, और ये हाईएस्ट पोटेंशियल कैपेसिटी दिखाती है जो प्रोडक्टिविटी में यूज़ होती है. ये ज़रूरी होता है प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए जानने की उनकी एक्चुअल में क्या कैपेसिटी है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव कैपेसिटी. इफ़ेक्टिव कैपेसिटी मीन्स क्या उस कैपेसिटी है उसकी, कितनी इफ़ेक्टिव है वो, कितनी एफिशिएंट है वो. मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी मस्ट बी मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ वर्क एज इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क. कैपेसिटी का मतलब है कि क्या एबिलिटी है एक काम को करने की, इसीलिए इसकी जो यूनिट होनी चाहिए, इसकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो यूनिट में मेजर होना चाहिए, वर्क की यूनिट में. फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी है 10,000 मशीन आवर्स हर 40 घंटे वीक में, तो ये जो फैक्ट्री है वो पोजिस कर रही है कैपेसिटी कि वो प्रोड्यूस कर सकती है 10 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स के काम में और एक 40 घंटे वीक में. द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट दैट द पर्टिकुलर फैक्ट्री प्रोड्यूसेस विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वर्क इन्वॉल्व, एनी एक्स्ट्रा टाइम सप्लाइड इन प्रोडक्शन, द इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री. और जो एक्चुअल वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी काम में इन्वॉल्व है, कितना एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ रही है प्रोडक्शन के लिए, और कितना इफ़ेक्टिव है, कितना प्रोडक्टिव, क्या प्रोडक्शन लेवल है उस फैक्ट्री का. नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ. फर्स्ट इज व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग. सेकंड इज व्हाट इज एग्रोनॉमिक्स. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. Thank you.